जबलपुर पीएचक्यू के आदेश के अनुसार जिले में चल रहे नशीले मादक पदार्थ कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने के बाद इस अवैध धंधे में शामिल लोगों की लगातार दबिश देते हुए धरपकड़ की जा रही है, जिसके चलते आज गोहलपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लेमा गार्ड के पास रहने वाली प्रियंका चौधरी मादक पदार्थों का कारोबार करती है, जिसके तहत पुलिस ने दबिश देते हुए महिला को पकड़ा और उसके पास से 20 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की। वहीं उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक आरोपी को और गिरफ्तार किया। वहीं आप देख सकते हैं कि पुलिस गिरफ्त में खड़े इस युवक का नाम राजा सोनकर है, जो ओमती थाना अंतर्गत भरतपुरी क्षेत्र में रहता है। साथ ही में बच्ची को गोद में लेकर खड़ी यह महिला गोहलपुर थाना अंतर्गत अमखेरा बस्ती में रहती है। ये दोनों ब्राउन शुगर की पुड़िया बेचने का कारोबार करते हैं। यह महिला किस प्रकार ब्राउन शुगर बेचती है, इसका वीडियो भी एक शख्स द्वारा बनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। महिला के बताए अनुसार पुलिस ने राजा को हिरासत में लिया है। अब इन दोनों से यह पता लगाया जा रहा है कि कहां से ब्राउन शुगर लाते थे। बहरहाल जब्त की गई 20 ग्राम ब्राउन शुगर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 लाख रुपए से ज्यादा कीमत है। जबलपुर से विकास पांडे की रिपोर्ट। कल थाना गोहलपुर के स्टाफ द्वारा प्रियंका चौधरी नाम की महिला है, ईडब्ल्यूएस क्वार्टर लेमा गार्डन में ये रहती है। इसके बारे में सूचना थी कि ये ब्राउन शुगर की पुड़ियां बनाकर बेचती है। ब्राउन शुगर एक मादक पदार्थ होता है, जिसका सेवन करके नशा करते हैं लोग। सूचना पर प्रियंका को हमराह स्टाफ के पकड़ा गया और उसके पास से करीब 20 ग्राम ब्राउन शुगर तथा बिक्री के 5,200 रुपये तथा उसकी जो पुड़िया है वो उसमें जब्त की गई है। प्रियंका से गहन पूछताछ करने के बाद इसमें ये ब्राउन शुगर कहाँ से खरीदती है, तो इसने राजा उर्फ राजेश सोनकर निवासी भरतीपुर का नाम बताया, जिसको उसकी निशानदेही पर पकड़ा गया। राजेश सोनकर से भी 20,000 रुपये लगभग जब्त किया गया है और उससे हम कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड ले रहे हैं। और भी जो ब्राउन शुगर के स्रोत हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। राजेश सोनकर पुराना एनडीपीएस का आरोपी है। ये विक्रय करता था पहले से और इसको ओमती के एक प्रकरण में एनडीपीएस के प्रकरण में सजा भी हुई है, जिसकी इसने सजा भी भुगती है और अभी ये जेल से बाहर है। इस तरह से ये ब्राउन शुगर का जो रैकेट है पुलिस को पकड़ने में मदद मिली है और इसका पूरा नेटवर्क सर्च किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई जारी रहेगी। कितनी कीमत है भैया पूरी ब्राउन शुगर की? ब्राउन शुगर की जो वैल्यू है लगभग 15 से 20 लाख रुपए के अंतर्गत है। ठीक।